हम लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। कुछ लोग सर अभी से ही बदलाव बदलाव हल्ला किया जाए। राबड़ी आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने गए थे और कहा गया कि ये मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है और दूसरी तरफ लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं। और देखिए, उसके बाद जैसे ही मिलकर आते हैं, तेजस्वी यादव का बयान आता है कि सब कुछ सही है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार का एनडीए के साथ रहना एक बहुत ही सही पल था, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार के जैसे सहयोगी का इंडिया गठबंधन में आना एक विचार किया जा सकता है। यानी अमित शाह ने एक संकेत दिया कि नीतीश कुमार अगर भाजपा में आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। जहाँ एक तरफ भाजपा लगातार ये कहती रही कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि विचार किया जा सकता है। और उसके बाद आज भाजपा की विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उसी समय लालू यादव अपने इस आवास से निकलते हैं और ठीक इसके सामने पीछे आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री का आवास है, वहाँ वो जाते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है। लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात चलती है और ये बताया जाता है कि बेहद ख़ास मुलाकात थी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है, क्योंकि बिहार में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 2019 में जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी और राजद भी वहां से चुनाव लड़ी थी, तो उन सीटों पर बातचीत के लिए, जैसे कि आप देखें तो सिवान लोकसभा सीट है, गोपालगंज लोकसभा सीट है, इन तमाम सीटों पर बातचीत करने के लिए लालू यादव जो हैं वो नीतीश कुमार से गए हैं। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत बेहद ख़ास है, क्योंकि अमित शाह एक तरफ कह रहे हैं कि विचार किया जा सकता है, यानी नीतीश कुमार का भाजपा के साथ आना एक बार विचार किया जा सकता है। यही अमित शाह बिहार दौरे पर जब आते हैं, रैली करते हैं, तो कहते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं सम्राट चौधरी के राग में कि हाँ, सम्राट जी सही कह रहे हैं, अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि विचार किया जा सकता है और उसमें लालू यादव का नीतीश कुमार से मिलना बेहद खास बताया जा रहा है। और उसके बाद भाजपा का विधायक दल का बैठक, ये भी बेहद खास है। और इन तमाम चीज़ों पर तेजस्वी ने कहा कि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोगों की मुलाकात होते रहती है। लेकिन राजनीति के जानकार बताते हैं कि ये बेहद खास मुलाकात है, आधे घंटे की मुलाकात, ये छोटी मुलाकात नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी बात हो रही, क्योंकि कई जगहों पर राजद 2019 में चुनाव लड़ा था, वहाँ से जेडीयू भी चुनाव लड़ी थी और इसी पर बात अटका हुआ है कि आखिर वो सीट किसके पाले में जाएगा। और इसीलिए लालू यादव ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।